तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए। तो अगर आपको भी ये डर है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसी बात कि आप अपने बच्चे को ये बात सिखा देते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका बच्चा लाइफ में कभी भी गलत नहीं हो सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मेरी टीचर ने मुझे सिखाया था और इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी बात है जो आपको अपने बच्चे को सिखानी है। तो फ्रेंड्स, वो बात है कि आपको अपने बच्चे को ये सिखाना है कि बेटा लाइफ में कुछ भी करो, आप स्कूल बंक करो, मूवी देखने जाओ, दोस्तों के साथ पार्टी करो, रेस्टोरेंट जाओ, होटल जाओ, जहाँ मन करे वहाँ घूमने जाओ, जो करना है वो करो, नथिंग इज रॉन्ग। बट करने से पहले ना आप अपने पेरेंट्स को एक बार ज़रूर बता देना कि आप आज क्या करने वाले हो। मीन्स आज आप मूवी देखने जाने वाले हो, पार्टी करने वाले हो या फिर आप कहीं घूमने जाने वाले हो। लेकिन इसको सिखाने से पहले आप पेरेंट्स से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको अपने बच्चे के साथ अपने बिहेव को फैमिलियर करना पड़ेगा, यानी कि फ्रेंडली होना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, तभी आपका बच्चा आपसे कोई भी बात बिना डरे कह सकेगा। अगर आप अपने बच्चे को डरा के रखते हैं ना तो कभी भी आप उससे उम्मीद मत करिएगा कि आपका बच्चा अपनी हर बात आपसे बताएगा। यानी कि जो बात वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा वो आपके साथ कभी शेयर नहीं करेगा। और हर पेरेंट्स को ये बात पता होती है कि छोटे बच्चों को डराया जा सकता है, बड़े बच्चों को डरा के कोई काम आप नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे वही गलत होते हैं जिनके पेरेंट्स बड़े बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर देते हैं, उन्हें डरा के रखते हैं। मीन्स जो पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं ना, उनके बच्चे ऐसे गलत हो ही नहीं सकते। और लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप अपने बच्चे को ये बात ज़रूर सिखाइएगा और आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर भी करिएगा कि आपने अपने बच्चे को अगर ये बात सिखाई तो आपके बच्चे पर इसका क्या असर हुआ, यानी मुझे कॉमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।